तो हेलो गाइस, इसी का तुम्हारा भाई एकदम मजबूत अपडेट के साथ। आज हम बात करने वाले शुभम गिल के बारे में। तो रिसेंटली उनका एक वीडियो बहुत वायरल जा रहा है, जिसमें कुछ मीडिया पर्सन उनसे एक सवाल पूछ रहे हैं कि आप पाकिस्तान के खिलाफ खेलेंगे कि नहीं। अब आप लोग को तो पता ही होगा शुभम गिल कुछ दिनों से बीमार चल रहे हैं, उनको डेंगू हो गया था आई थिंक। तो अब इसी वजह से कुछ मीडिया पर्सन उनसे सवाल कर रहे थे कि आप पाकिस्तान के खिलाफ खेलेंगे कि नहीं। अब वो सवाल कर रहे थे वो तो ठीक है, पर उनके सवाल करने का तरीका एकदम नेक्स्ट लेवल का था, जिसके वजह से शुभम गिल के फैंस को ये अच्छा नहीं लगा। अब वो मीडिया पर्सन क्या करते, चलो देखते। सुमन, आर यू फिट? सुमन, आर यू फिट? सुमन, पाकिस्तान के सामने खेलेंगे क्या आप? सुमन, आप पाकिस्तान के सामने खेलेंगे सर? अब इस वीडियो को देखे शुभम गिल के फैंस बोल रहे हैं ये तो एक तरह से हैरेसमेंट है। तो गाइस अब आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ के बात करते हैं नुसरत बरूचा के बारे में। तो रिसेंटली आपको पता ही होगा इसराइल और पैलेस्टीन का वॉर चल रहा है, जिसमें नुसरत बरूचा इसराइल में फंस जाती है। हाँ, पर बाद में वो सेफली वापस तो आ जाती है, पर उसी के बाद उनका एक वीडियो बहुत वायरल जा रहा है, जिसमें वो इंडियन गवर्नमेंट और इसराइल गवर्नमेंट को बहुत अप्रिशिएट करती है कि उनकी वजह से वो वापस आ पाई। I'm back, I'm home, I'm safe, I'm fine. But just 2 days back, I woke up in a hotel room in Tel Aviv with bomb sounds around me and sirens blaring, and we were taken down to a basement and shelter areas. And मैं पहले ऐसे सिचुएशन में कभी रही नहीं हूँ, बट आज जब मैं अपने घर में उठी हूँ with no sounds and feeling safe and feeling fine, तो मुझे realize हो रहा है कि कितनी बड़ी बात है, हम कितने fortunate हैं कि हम इस country में हैं, कि हम प्रोटेक्टेड है, हम सेफ है। समवन हू टेक दिस मोमेंट एंड से थैंक यू टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, से थैंक यू टू द इंडियन एम्बेसी, से थैंक यू टू द इजराइल एम्बेसी फॉर गाइडिंग अस, फॉर एडवाइसिंग अस एंड मेकिंग इट पॉसिबल फॉर मी टू कम बैक होम टू माई कंट्री सेफ एंड साउंड। आई ऑल्सो वॉन्ट टेक अ मोमेंट एंड एक्सटेंड माई प्रेयर्स एंड विशेज टू द पीपल स्टिल स्टक इन द वॉर, एंड आई रियली होप फॉर पीस वेरी सून। Hi everyone, तो इसी के बाद बात करते हैं मिया खलीफा के बारे में। तो रिसेंटली प्लेबॉय टीम की तरफ से एक स्टेटमेंट जारी होता है, जिसमें लिखा रहता है कि वो मिया खलीफा के साथ सारे रिलेशनशिप टर्मिनेट कर रहे हैं। मतलब एक तरह से उनका और मिया खलीफा के बीच में जितना भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ रहेगा वो उनको टर्मिनेट कर रहे हैं, मतलब तोड़ रहे हैं। और उसी के बाद उसमें एक और चीज लिखा रहता है कि मिया खलीफा का जो चैनल है उनके वेबसाइट पे, प्लेबॉय के वेबसाइट पे, वो उसको भी डिलीट कर रहे हैं, क्योंकि रिसेंटली मिया खलीफा ने इसराइल और हमास के वॉर में हमास को सपोर्ट किया और एक तरीके से सेलिब्रेट भी किया। तो इसी के बाद बात करते हैं मोस्ट पॉपुलर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के बारे में, जो है सितंबर मंथ का, जिसमें पहले नंबर पे है कैरी मिनाटी, और सेकंड पे है भुवन बम, और थर्ड पे भाई एल्विस भाई हैं जिनके आगे कोई बोल नहीं सकता, और फोर्थ पे आशीष चंचलानी, और फिफ्थ पे जन्नत जुबे, और सिक्स पे अपने मिस्टर बीस्ट भाई, भाई नहीं बोल सकते इनको, इनको बोलना चाहिए मिस्टर बीस्ट ब्रो, और सेवंथ पे अमनीत, और उसी के बाद है एट पे संदीप महेश्वरी, और भाई नाइन्थ पे राउंड टू हेल, और टेंथ पे आया अपने ट्रिगर्ड इंसान। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो, ऐसे छोटे मोटे अपडेट आपके लिए लाता रहता हूं और टाइम पास करता रहता हूं। प्लीज भाई चैनल सब्सक्राइब मार दो, और वीडियो पसंद आई थोड़ी भी हल्की भी तो प्लीज लाइक मार देना।